दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्यिकी पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। जो इनके पहले कहानी संग्रह है परिंदे में 1959 में प्रकाशित हुई। मित्रों, यह कहानी न केवल अपने भावबोध में आधुनिकता के प्रतिमान को स्थापित करती है बल्कि भाषा के शिखर को भी छूती है। यह नई कहानी की सभी विशेषताओं से युक्त है, इसलिए नामवर सिंह कहते हैं कि परिंदे निर्मल वर्मा की पहली कृति ही नहीं बल्कि जिसे हम नई कहानी कहना चाहते हैं उसकी भी पहली कृति है। समर्थ आलोचक नामवर सिंह के इस विश्लेषण के बाद ही निर्मल नई कहानी के प्रवर्तक के रूप में स्थापित हुए। मित्रों, परिंदे इस संग्रह की अंतिम कहानी है जिसका शीर्षक प्रतीकात्मक है। इससे आधुनिक मानव की नियति स्पष्ट होती है, इसमें सिर्फ प्रतीक्षा ही लिखी है। सभी मनुष्य किसी न किसी वस्तु के लिए प्रतीक्षित हैं। परिंदे पहाड़ी स्कूल की कहानी है। इस कहानी की नायिका है लतिका, जो कुमाऊं के कॉन्वेंट में अध्यापिका है। लतिका गिरीस नेगी से प्यार करती थी। प्लेन दुर्घटना में गिरीस की मृत्यु हो चुकी है। अब लतिका उसे भुला नहीं पाती, किंतु नारी मनोविज्ञान के अनुसार वह ह्यूबर्ट के प्रेम पत्र को संभाल कर रखती है। वह जूली के प्रथम प्रेम की कोमलता को समझती है। डॉक्टर कहानी का सर्वाधिक जीवंत पात्र है। डॉक्टर कहते हैं कि लतिका वह तो बच्ची है, पागल मरने वालों के संग खुद थोड़े ही मरा जाता है। परिंदे कहानी में जीविषा तथा मृत्यु बोध एक साथ कई जगह तीव्र रूप में चित्रित हुए हैं। कहानी की नायिका लतिका को लगातार मौत का एहसास होता है। उसका प्रेमी गिरीश नेगी जो मर चुका है, उसकी याद में वह घर से बाहर ही नहीं आ पाती। कहानी का जिंदा दिल पात्र डॉक्टर उसे कहता है, कभी कभी मैं सोचता हूं कि मिस लतिका, किसी चीज को जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोक की तरह उससे चिपटे रहना, यह भी गलत है। वर्मा से आते हुए मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी, मुझे अपनी जिंदगी बेकार सी लग रही थी। आज इस बात को अरसा गुजर गया और जैसा कि आप देखती हैं मैं जी रहा हूं। उम्मीद है काफी अरसा और जीऊंगा। जिंदगी काफी दिलचस्प लगती है और उम्र की मजबूरी न होती तो शायद मैं दूसरी शादी करने से भी न हिचकता। लतिका के मन में भी मृत्यु बोध के साथ ही तीव्र जिज्ञासा है। एक ओर उसे लगातार मौत का एहसास होता रहता है तो दूसरी ओर वह ह्यूबर्ट का प्रेम पत्र छिपा कर रखती है। का मतलब है कि उसके मन में भी जीने की तीव्र कामना है। इससे स्पष्ट है कि निर्मल वर्मा की कहानियों में स्त्रियां सिर्फ मृत्यु बोध अथवा जिज्ञासा से प्रभावित नहीं बल्कि दोनों से प्रभावित रही है। तो आइए मित्रों, चलते हैं कहानी की ओर और निर्मल वर्मा की इस प्रसिद्ध कहानी परिंदे को पढ़ते हैं, जिससे नामवर सिंह नई कहानी की शुरुआत बताते हैं। अंधेरे गलियारे में चलते हुए लतिका ठिठक गई। दीवार का सहारा लेकर उसने लैंप की बत्ती बढ़ा दी। सीढ़ियों पर उसकी छाया एक बेडोल कटी फटी आकृति खींचने लगी। 7 नंबर कमरे में लड़कियों की बातचीत और हंसी ठहाकों का स्वर अभी तक आ रहा था। लतिका ने दरवाजा खटखटाया। शोर अचानक बंद हो गया। कौन है? लतिका चुप खड़ी रही। कमरे में कुछ देर तक घुसर फुसर होती रही, फिर दरवाजे की चिटकनी के खुलने का स्वर आया। लतिका कमरे की देहरी से कुछ आगे बढ़ी। लैंप की झपकती लौ में लड़कियों के चेहरे सिनेमा के पर्दे पर ठहरे हुए क्लोजअप की भांति उभरने लगे। कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? लतिका के स्वर में हल्की सी झिटकी का आभास था। लैंप में तेल ही खत्म हो गया है मैडम। यह सुधा का कमरा था, इसलिए उसे ही उत्तर देना पड़ा। हॉस्टल में शायद वह सबसे अधिक लोकप्रिय थी, क्योंकि सदा छुट्टी के समय या रात को डिनर के बाद आसपास के कमरों में रहने वाली लड़कियों का जमघट उसी के कमरे में लग जाता था। देर तक गपशप हंसी मजाक चलता रहा। तेल के लिए करीमुद्दीन से क्यों नहीं कहा? कितनी बार कहा मैडम,
लेकिन उसे याद रहे तब तो कमरे में हंसी की फुहार एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गई। लतिका के कमरे में आने से अनुशासन की जो घुटन घिराई थी वह अचानक बह गई। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर था, उसके आलस और काम में टालमटोल करने के किस्से हॉस्टल की लड़कियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते थे। लतिका को हठात कुछ स्मरण हो आया। अंधेरे में लैंप घुमाते हुए चारों ओर निगाहें दौड़ाई। कमरे में चारों ओर घेरा बनाकर वे बैठी थी, पास पास एक दूसरे से सटकर। सबके चेहरे परिचित थे, किंतु लैंप के पीले मध्यम प्रकाश में मानो कुछ बदल गया था, या जैसे वह उन्हें पहली बार देख रही थी। जूली, अब तक तुम इस ब्लॉक में क्या कर रही हो? जूली खिड़की के पास परन के सिराने बैठी थी। उसने चुपचाप आंखें नीची कर ली। लैंप का प्रकाश चारों ओर से सिमट कर अब केवल उसके चेहरे पर गिर रहा था। नाइट रजिस्टर पर दस्तखत कर दिए? हाँ मैडम। फिर? लतिका का स्वर कड़ा हुआ है। जूली सपचाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। जब से लतिका स्कूल में आई है, उसने अनुभव किया है कि हॉस्टल के इस नियम का पालन डांट फटकार के बावजूद नहीं होता। मैडम, कल से छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, इसलिए आज रात हम सब ने मिलकर। और सुधा पूरी बात न कहकर हेमंती की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगी। हेमंती के गाने का प्रोग्राम है, आप भी कुछ देर बैठिए ना। लतिका को उलझन मालूम हुई। इस समय यहां आकर उसने इनके मजे को किरकिरा कर दिया। इस छोटे से हिल स्टेशन पर रहते उसे खासा अरसा हो गया, लेकिन कब समय पतझड़ और गर्मियों का घेरा पार कर सर्दी की छुट्टियों की गोद में सिमट जाता है उसे कभी याद नहीं रहता। चोरों की तरह चुपचाप वह देहरी से बाहर को गई। उसके चेहरे का तनाव ढीला पड़ गया। वह मुस्कुराने लगी। मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा। मैडम, छुट्टियों में क्या आप घर नहीं जा रही हैं? सब लड़कियों की आंखें उस पर जम गई। अभी कुछ पक्का नहीं है। आई लव द स्नोफॉल। लतिका को लगा यही बात उसने पिछले साल भी कही थी, और शायद पिछले से पिछले साल भी। उसे लगा मानो लड़कियां उसे संदेह की दृष्टि से देख रही हैं, मानो उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसका सिर चकराने लगा, मानो बादलों का शाह झुरमुट किसी अनजाने कोने से उठकर उसे अपने में डुबा लेगा। वह थोड़ा सा हंसी, फिर धीरे से उसने सर को झटक दिया। जूली, तुमसे कुछ काम है, अपने ब्लॉक में जाने से पहले मुझे मिल लेना। वेल, गुड नाइट। लतिका ने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। गुड नाइट मैडम, गुड नाइट, गुड नाइट। गलियारे की सीढ़ियां न उतरकर लतिका रेलिंग के सहारे खड़ी हो गई। लैंप की बत्ती को नीचे घुमाकर कोने में रख दिया। बाहर धुंध की नीली तहें बहुत घनी हो चली थी। लॉन पर लगे हुए चीड़ के पत्तों की सरसराहट हवा के झोंकों के संग कभी तेज कभी धीमी होकर भीतर बह आती थी। हवा में सर्दी का हल्का सा आभास पाकर लतिका के दिमाग में कल से शुरू होने वाली छुट्टियों का ध्यान भटक आया। उसने आंखें मूंद ली। उसे लगा कि जैसे उसकी टांगें बांस की लकड़ियों की तरह उसके शरीर से बंधी हैं, जिसकी गांठें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। सिर की चकराहट अभी मिटी नहीं थी, मगर अब जैसे वह भीतर न होकर बाहर फैली हुई धुंध का हिस्सा बन गई थी। सीढ़ियों पर बातचीत का स्वर सुनकर लतिका जैसे सोते से जगी। शॉल को कंधों पर समेटा और लैंप उठा लिया। डॉक्टर मुखर्जी मिस्टर ह्यूबर्ट के संग एक अंग्रेजी धुन गुनगुनाते हुए ऊपर आ रहे थे। सीढ़ियों पर अंधेरा था और ह्यूबर्ट को बार बार अपनी छड़ी से रास्ता टटोलना पड़ता था। लतिका ने दो चार सीढ़ियां उतरकर लैंप को नीचे झुका दिया। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग मिस्टर ह्यूबर्ट। थैंक यू मिस लतिका। ह्यूबर्ट के स्वर में कृतज्ञता का भाव था। सीढ़ियां चढ़ने से उनकी सांस तेज हो रही थी और वह दीवार से लगे हुए हांफ रहे थे। लैंप की रोशनी में उनके चेहरे का पीलापन कुछ तांबे के रंग जैसा हो गया था। यहां अकेली क्या कर रही हो मिस लतिका? डॉक्टर ने होठों के भीतर से सीटी बजाई। चेकिंग करके लौट रही थी। आज इस वक्त ऊपर कैसे आना हुआ मिस्टर ह्यूबर्ट? ह्यूबर्ट ने मुस्कुराकर अपनी छड़ी डॉक्टर के कंधों से झुला दी।
इनसे पूछो, यही मुझे जबरदस्ती घसीट लाए हैं। मिस लतिका, हम आपको निमंत्रण देने आ रहे थे। आज रात मेरे कमरे में एक छोटा सा कंसर्ट होगा जिसमें मिस्टर ह्यूबर्ट, शोपां और चाइकोवस्की के कंपोजिशन बजाएंगे और फिर क्रीम कॉफी पी जाएगी। उसके बाद अगर समय रहा तो पिछले साल हमने जो गुनाह किए हैं उन्हें हम सब मिलकर कन्फेस करेंगे। डॉक्टर मुखर्जी के चेहरे पर भारी मुस्कान खिल गई। डॉक्टर, मुझे माफ करें, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चलिए, यह ठीक रहा, फिर तो आप वैसे भी मेरे पास आती। डॉक्टर ने धीरे से लतिका के कंधों को पकड़कर अपने कमरे की तरफ मोड़ दिया। डॉक्टर मुखर्जी का कमरा ब्लॉक के दूसरे सिरे पर छत से जुड़ा हुआ था। वह आधे बर्मी थे, जिसके चिन्ह उनकी थोड़ी दबी हुई नाक और छोटी छोटी चंचल आंखों से स्पष्ट थे। बर्मा पर जापानियों का आक्रमण होने के बाद वह इस छोटे से पहाड़ी शहर में आ बसे थे। प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा वह कॉन्वेंट स्कूल में हाइजीन फिजियोलॉजी भी पढ़ाया करते थे और इसलिए उनको स्कूल के हॉस्टल में ही एक कमरा रहने के लिए दे दिया गया था। कुछ लोगों का कहना था कि बर्मा से आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, लेकिन इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि डॉक्टर स्वयं कभी अपनी पत्नी की चर्चा नहीं करते। बातों के दौरान डॉक्टर अक्सर कहा करते हैं, मरने से पहले मैं एक दफा बर्मा जरूर जाऊंगा, और तब एक क्षण के लिए उनकी आंखों में एक नमी सी छा जाती। लतिका चाहने पर भी उनसे कुछ पूछ नहीं पाती। उसे लगता कि डॉक्टर नहीं चाहते कि कोई अतीत के संबंध में उनसे कुछ भी पूछे या सहानुभूति दिखाए। दूसरे ही क्षण अपनी गंभीरता को दूर ठेलते हुए वह हंस पड़ते, एक सूखी बुझी हुई हंसी। होमसिकनेस ही एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। छत पर मेज कुर्सियां डाल दी गई और भीतर कमरे में परकोलेटर में काफी का पानी चढ़ा दिया गया। सुना है अगले 2-3 वर्षों में यहां पर बिजली का इंतजाम हो जाएगा, डॉक्टर ने स्प्रिट लैंप जलाते हुए कहा। यह बात तो पिछले 10 सालों से सुनने में आ रही है। अंग्रेजों ने भी कोई लंबी चौड़ी स्कीम बनाई थी, पता नहीं उसका क्या हुआ, ह्यूबर्ट ने कहा। वह आराम कुर्सी पर लेटा हुआ बाहर लॉन की ओर देख रहा था। लतिका कमरे से 2 मोमबत्तियां ले आई, मेज के दोनों सिरों पर टिकाकर उन्हें जला दिया गया। छत का अंधेरा मोमबत्ती की फीकी रोशनी के इर्द गिर्द सिमटने लगा। एक घनी नीरवता चारों ओर घिरने लगी। हवा में चीड़ के वृक्षों की साए साए दूर दूर तक फैली पहाड़ियां और घाटियों में चीटियों की गूंज सी छोड़ती जा रही थी। इस बार शायद बर्फ जल्दी गिरेगी। अभी से हवा में एक सर्द खुश्की सी महसूस होने लगी है। डॉक्टर का सिगार अंधेरे में लाल बिंदी सा चमक रहा था। पता नहीं मिस वुड को स्पेशल सर्विस का गोरख धंधा क्यों पसंद आता है। छुट्टियों में घर जाने से पहले क्या यह जरूरी है कि लड़कियां फादर एलमंड का सरमन सुने, ह्यूबर्ट ने कहा। डॉक्टर को फादर एलमंड एक आंख नहीं सुहाते थे। लतिका कुर्सी पर आगे झुककर प्यालों में काफी उंडेलने लगी। हर साल स्कूल बंद होने के दिन यही 2 प्रोग्राम होते हैं, चैपल में स्पेशल सर्विस और उसके बाद दिन में पिकनिक। लतिका को पहला साल याद आया जब डॉक्टर के संग पिकनिक के बाद वह क्लब गई थी। डॉक्टर बार में बैठे थे। बार रूम कुमाऊं रेजिमेंट के अफसरों से भरा हुआ था। कुछ देर तक बिलियर्ड का खेल देखने के बाद जब वह वापस बार की ओर आ रहे थे तब उसने दाईं ओर क्लब की लाइब्रेरी में देखा, मगर उसी समय डॉक्टर मुखर्जी पीछे से आ गए थे। मिस लतिका, ये मेजर गिरीश नेगी हैं। बिलियर्ड रूम से आते हुए हंसी ठहाकों के बीच वह नाम दब सा गया। वह किसी किताब के बीच में उंगली रखकर लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर देख रहा था। हेलो डॉक्टर, वह पीछे मुड़ा। तब उस क्षण न जाने क्यों लतिका का हाथ कांप गया और काफी की कुछ गर्म बूंदें उसकी साड़ी पर छलक आईं। अंधेरे में किसी ने नहीं देखा कि लतिका के चेहरे पर एक पुनिंदा रीतापन घिर आया है। हवा के झोंके से मोमबत्तियों की लौ फड़कने लगी। छत से भी ऊंची काठ गोदाम जाने वाली सड़क पर यूपी रोडवेज की आखिरी बस डाक लेकर जा रही थी। बस की हेडलाइट्स में आसपास फैली हुई झाड़ियों की छायाएं घर की दीवार पर सरकती हुई गायब होने लगी।
मिस लतिका, आप इस साल भी छुट्टियों में यहीं रहेंगी? डॉक्टर ने पूछा। डॉक्टर का सवाल हवा में टंगा रहा। उसी क्षण पियानो पर तोपा का नॉक्टर्न ह्यूबर्ट की उंगलियों के नीचे फिसलता हुआ धीरे धीरे छत के अंधेरे में घुलने लगा। जल पर कोमल स्वप्निल उर्मिया भंवरों का झिलमिलाता जाल बुनती हुई दूर दूर तक किनारों तक फैलती जा रही है। लतिका को लगा कि जैसे कहीं बहुत दूर बर्फ की चोटियों से परिंदों के झुंड नीचे अनजान देशों की ओर उड़े जा रहे हैं। इन दिनों अक्सर उसने अपने कमरे की खिड़की से उन्हें देखा है। धागे में बंधे चमकीले लट्टुओं की तरह वे एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी कतार में उड़े जाते हैं। पहाड़ी की सुनसान नीरवता से परे उन विचित्र शहरों की ओर जहां शायद वह कभी नहीं जाएगी। लतिका आम चेयर पर ऊँघने लगी। डॉक्टर मुखर्जी का सिगार अंधेरे में चुपचाप जल रहा था। डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि लतिका न जाने क्या सोच रही है, और लतिका सोच रही थी क्या वह बूढ़ी होती जा रही है। उसके सामने स्कूल की प्रिंसिपल मिस वुड का चेहरा घूम गया। पोपला मोह आंखों के नीचे झूलती हुई मांस की थैलियां, जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाना, कर्कश आवाज में चीखना, सब उसे ओल्ड मेड कहकर पुकारते हैं। कुछ वर्षों बाद वह भी हूबहू वैसी ही बन जाएगी। लतिका के समूचे शरीर में भुरभुरी सी दौड़ गई, मानो अनजाने में उसने किसी गलीज वस्तु को छू लिया हो। उसे याद आया कुछ महीने पहले अचानक उसे ह्यूबर्ट का प्रेम पत्र मिला था, भाऊ की याचना से भरा हुआ पत्र, जिसमें उसने न जाने क्या कुछ लिखा था जो कभी उसकी समझ में नहीं आया। उसे ह्यूबर्ट की इस बचकाना हरकत पर हंसी आई थी, किंतु भीतर ही भीतर प्रसन्नता भी हुई थी। उसकी उम्र अभी बीती नहीं है, अब भी वह दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। ह्यूबर्ट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आया, आई थी केवल ममता। वह चाहती तो उसकी गलतफहमी को दूर करने में देर न लगाती, किंतु कोई शक्ति उसे रोके रहती है। उसके कारण अपने पर विश्वास रहता है, अपने सुख का भ्रम मानो ह्यूबर्ट की गलतफहमी से जुड़ा है। ह्यूबर्ट ही क्यों, वह क्या किसी को चाह सकेगी? उस अनुभूति के संग जो अब नहीं रही, तो छाया से उस पर मंडराती रहती है, न स्वयं मिटती है न उसे मुक्ति दे पाती है। उसे लगा जैसे बादलों का झुरमुट फिर उसके मस्तिष्क पर धीरे धीरे छाने लगा है। उसकी टांगे फिर निर्जीव शिथिल सी हो गई है। वह झटके से उठ खड़ी हुई। डॉक्टर, माफ करना, मुझे बहुत थकान सी लग रही है। बिना वाक्य पूरा किए ही वह चली गई। कुछ देर तक टेरेस पर निस्तब्धता छाई रही, मोमबत्तियां बुझने लगी थी। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगार का नया कश लिया। सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, बेवकूफ और सेंटिमेंटल। ह्यूबर्ट की उंगलियों का दबाव पियानो पर ढीला पड़ता गया। अंतिम सुरों की झिझकी सी गूंज कुछ क्षणों तक हवा में तिरती रही। डॉक्टर, आपको मालूम है, मिस लतिका का व्यवहार पिछले कुछ अरसे से अजीब सा लगता है। ह्यूबर्ट के स्वर में लापरवाही का भाव था। वह नहीं चाहता था कि डॉक्टर को लतिका के प्रति उसकी भावनाओं का आभास मात्र भी मिल सके। इस कोमल अनुभूति को वह इतने समय से संजोता आया है, डॉक्टर उसे हंसी के एक ठहाके में उपहासास्पद बना देगा। क्या तुम नियति में विश्वास करते हो, ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने कहा। ह्यूबर्ट दम प्रतीक्षा करता रहा। वह जानता था कि कोई भी बात कहने से पहले डॉक्टर को फिलोसोफाइज करने की आदत थी। डॉक्टर टेरेस के जंगले से सटकर खड़ा हो गया। किसी चांदनी में चीड़ के पेड़ों की छायाएं लॉन पर गिर रही थी। कभी कभी कोई जुगनू अंधेरे में हरा प्रकाश छिड़कता हवा में गायब हो जाता था। मैं कभी कभी सोचता हूं, इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? हजारों मील अपने मुल्क से दूर मैं यहां पड़ा हूं। यहां कौन मुझे जानता है? यहीं शायद मर भी जाऊंगा। ह्यूबर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराई जमीन पर मर जाना काफी खौफनाक बात है? ह्यूबर्ट विस्मित सा डॉक्टर को देखने लगा। उसने पहली बार डॉक्टर मुखर्जी के इस पहलू को देखा था। अपने संबंध में वो अक्सर चुप रहते थे। कोई पीछे नहीं है, यह बात मुझमें एक अजीब किस्म की बेफिक्री पैदा कर देती है।
लेकिन कुछ लोगों की मौत अंत तक पहेली बनी रहती है। शायद वे जिंदगी से बहुत उम्मीद लगाते थे, उसे ट्रेजिक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आखिरी दम तक उन्हें मरने का एहसास नहीं होता। डॉक्टर, आप किसका जिक्र कर रहे हैं? ट्यूबर्ट ने परेशान होकर पूछा। डॉक्टर कुछ देर तक चुपचाप सिगार पीता रहा, फिर मुड़कर वह मोमबत्तियों की बुझती हुई लौ को देखने लगा। तुम्हें मालूम है, इसी समय लतिका विला नागा क्लब जाया करती थी। गिरीश नेगी से उसका परिचय वहीं हुआ था। कश्मीर जाने से एक रात पहले उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं अब तक लतिका से उस मुलाकात के बारे में कुछ नहीं कह सका हूं, किंतु उस रात कौन जानता था कि वह वापस नहीं लौटेगा। और अब क्या फर्क पड़ता है? लेट द डेड डाई। डॉक्टर की सूखी सर्द हंसी में खोखली सी शून्यता भरी थी। कौन गिरीश नेगी? कुमाऊं रेजिमेंट में कैप्टन था। डॉक्टर, क्या लतिका? ट्यूबर्ट से आगे कुछ नहीं कहा गया। उसे याद आया वह पत्र जो उसने लतिका को भेजा था, कितना अर्थहीन और उपहासास्पद, जैसे उसका एक एक शब्द उसके दिल को कचोट रहा हो। उसने धीरे से पियानो पर सिर टिका लिया। लतिका ने उसे क्यों नहीं बताया? क्या वह इसके योग्य भी नहीं था? लतिका, वह तो बच्ची है, पागल। मरने वाले के संग खुद थोड़े ही मरा जाता है। कुछ देर चुप रहकर डॉक्टर ने अपने प्रश्न को फिर दोहराया। लेकिन ह्यूबर्ट, क्या तुम नियति पर विश्वास करते हो? हवा के हल्के झोंके से मोमबत्तियां एक बार प्रज्वलित होकर बुझ गई। टेरेस पर ह्यूबर्ट और डॉक्टर अंधेरे में एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, फिर भी वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। कॉन्वेंट स्कूल से कुछ दूर मैदानों में बहते पहाड़ी नाले का स्वर आ रहा था। अब बहुत देर बाद कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर का बिगुल सुनाई दिया तो ह्यूबर्ट हड़बड़ा कर खड़ा हो गया। अच्छा, चलता हूं डॉक्टर, गुड नाइट। गुड नाइट ह्यूबर्ट, मुझे माफ करना, मैं सिगार खत्म करके उठूंगा। सुबह पतली छाई थी। लतिका की खिड़की खोलते ही धुंध का गुब्बारा सा भीतर घुस आया, जैसे रात भर दीवार के सहारे सर्दी में ठिठुरता हुआ वह भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहा हो। पुल से ऊपर चैपल जाने वाली सड़क बादलों में छिप गई थी। केवल चैपल का क्रास धुंध के पर्दे पर एक दूसरे को काटती हुई पेंसिल की रेखाओं सा दिखाई दे जाता था। लतिका ने खिड़की से आंख हटाई तो देखा कि करीमुद्दीन चाय की ट्रे लिए खड़ा है। करीमुद्दीन मिलिट्री में अर्दली रह चुका था, इसलिए ट्रे मेज पर रखकर अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया। लतिका झटके से उठ बैठी। सुबह से आलस करके कितनी बार जागकर वह सो चुकी है। अपनी खिसियाहट मिटाने के लिए लतिका ने कहा, बड़ी सर्दी है आज, बिस्तर छोड़ने को जी नहीं चाहता। अजी मैम साहब, अभी क्या सर्दी आई है, बड़े दिनों में देखना कैसे दांत कटकटाते हैं। और करीमुद्दीन अपने हाथों को बगलों में डाले हुए इस तरह सिकुड़ गया जैसे उन दिनों की कल्पना मात्र से उसे जाड़ा लगना शुरू हो गया हो। गंजे सिर पर दोनों तरफ के उसके बाल खिजाब लगाने से कत्थई रंग के भूरे हो गए थे। बात चाहे किसी विषय पर हो रही हो, वह हमेशा खींचतान कर उसे ऐसे क्षेत्र में घसीट लाता था जहां वह बेझिझक अपने विचारों को प्रकट कर सके। एक दफा तो यहां लगातार इतनी बर्फ गिरी थी कि भुआली से लेकर डाक बंगले तक साड़ी सड़कें जाम हो गई। इतनी बर्फ थी मैम साहब कि पेड़ों की टहनियां तक सिकुड़कर तनों से लिपट गई थी। बिल्कुल ऐसे, और करीमुद्दीन नीचे झुककर मुर्गा सा बन गया। कब की बात है? लतिका ने पूछा। अब यह तो जोड़ हिसाब करके ही पता चलेगा मैम साहब, लेकिन इतना याद है कि उस वक्त अंग्रेज बहादुर यहीं थे। कंटोनमेंट की इमारत पर कौमी झंडा नहीं लगा था। बड़े जबर थे ये अंग्रेज, 2 घंटों में ही सारी सड़कें साफ करवा दी। उन दिनों एक सीटी बजाते ही 50 घोड़े वाले जमा हो जाते थे, अब तो सारे सेठ खाली पड़े हैं। वे लोग अपनी खिदमत भी करवाना जानते थे, अब तो सब उजाड़ हो गया है। करीमुद्दीन उदास भाव से बाहर देखने लगा। आज यह पहली बार नहीं है जब लतिका करीमुद्दीन से उन दिनों की बातें सुन रही है जब
अंग्रेज बहादुर ने इस स्थान को स्वर्ग बना रखा था। आप छुट्टियों में इस साल भी यहीं रहेंगी मैम साहब? दिखता तो कुछ ऐसा ही है करीमुद्दीन, तुम्हें फिर तंग होना पड़ेगा। क्या कहती हैं मैम साहब, आपके यहाँ रहने से हमारा भी मन लग जाता है, वरना छुट्टियों में तो यहाँ कुत्ते लौटते हैं। तुम जरा मिस्त्री से कह देना कि इस कमरे की छत की मरम्मत कर जाए, पिछले साल बर्फ का पानी दरारों से टपकता रहता था। लतिका को याद आया कि पिछली सर्दियों में जब कभी बर्फ गिरती थी तो उसे पानी से बचने के लिए रात भर कमरे के कोने में सिमट कर सोना पड़ता था। करीमुद्दीन चाय की ट्रे उठाता हुआ बोला, क्यूबर्ट साहब तो शायद कल ही चले जाएं, रात उनकी तबीयत फिर खराब हो गई। आधी रात के वक्त मुझे जगाने आए थे, कहते थे छाती में तकलीफ है, उन्हें यह मौसम रास नहीं आता। कह रहे थे लड़कियों की बस में वह भी कल ही चले जाएंगे। करीमुद्दीन दरवाजा बंद करके चला गया। लतिका की इच्छा हुई कि वह क्यूबर्ट के कमरे में जाकर उनकी तबीयत की पूछताछ कराए, किंतु फिर न जाने क्यों स्लीपर पैरों में टंगे रहे और वह खिड़की के बाहर बादलों को उड़ता हुआ देखती रही। क्यूबर्ट का चेहरा जब उसे देखकर सहमा सा दयनीय हो जाता है, तब लगता है कि वह अपनी मूक निरीह याचना में उसे कोस रहा है। न वह उसकी गलतफहमी को दूर करने का प्रयत्न कर पाती है और न उसे अपनी व्यवस्था की सफाई देने का साहस होता है। उसे लगता है कि इस जाले से बाहर निकलने के लिए वह धागे के जिस जिस सिरे को पकड़ती है वह खुद एक गांठ बनकर रह जाता है। बाहर बूंदाबांदी होने लगी थी, कमरे की टिन की छत खटखट बोलने लगी। लतिका पलंग से उठ खड़ी हुई, बिस्तर को तहा कर बिछाया, फिर पैरों में स्लीपरों को घसीटते हुए वह बड़े आईने तक आई और उसके सामने स्टूल पर बैठकर बालों को खोलने लगी, किंतु कुछ देर तक कंघी बालों में ही उलझी रही और वह गुमसुम हो शीशे में अपना चेहरा ताकती रही। करीमुद्दीन को यह कहना याद ही नहीं रहा कि धीरे धीरे आग जलाने की लकड़ियां जमा कर ले। इन दिनों सस्ते दामों पर सूखी लकड़ियां मिल जाती हैं। पिछले साल तो कमरा धुएं से भर जाता था, जिसके कारण तब कपाते जाड़े में भी उसे खिड़की खोलकर ही सोना पड़ता था। आईने में लतिका ने अपना चेहरा देखा, वह मुस्कुरा रही थी। पिछले साल अपने कमरे की सीलन और ठंड से बचने के लिए कभी कभी वह मिस वुड के खाली कमरे में चोरी चुपके सोने चली जाया करती थी। मिस वुड का कमरा बिना आग के भी गर्म रहता था, उनके गदीले सोफे पर लेटते ही आंख लग जाती थी। कमरा छुट्टियों में खाली पड़ा रहता था, किंतु मिस वुड से इतना नहीं होता कि 2 महीनों के लिए उसके हवाले कर जाए। हर साल कमरे में ताला ठोक जाती है, वह तो पिछले साल गुसलखाने में भीतर की सांकल देना भूल गई थी, जिससे लतिका चोर दरवाजे के रूप में इस्तेमाल करती रही थी। पहले साल अकेले में उसे बड़ा डर सा लगता था, छुट्टियों में सारे स्कूल और हॉस्टल के कमरे साए साए करने लगते हैं। डर के मारे उसे जब कभी नींद नहीं आती थी, तब वह करीमुद्दीन को रात में देर तक बातों में उलझाए रखती। बातों में जब खोई सी वह सो जाती, तब करीमुद्दीन चुपचाप लैंप बुझाकर चला जाता। कभी कभी बीमारी का बहाना करके डॉक्टर को बुलवा भेजती थी और बाद में बहुत जिद करके दूसरे कमरे में उनका बिस्तर लगवा देती। लतिका के कंधे से बालों का गुच्छा निकाला और उसे बाहर फेंकने के लिए वह खिड़की के पास आ खड़ी हुई। बाहर छत की ढलान से बारिश के जल की मोटी सी धार बराबर लॉन पर गिर रही थी। मेघाच्छन्न आकाश में सरकते हुए बादलों के पीछे पहाड़ियों के झुंड कभी उभर आते थे, कभी छिप जाते थे, मानो चलती हुई ट्रेन से कोई उन्हें देख रहा हो। लतिका ने खिड़की से सिर बाहर निकाल लिया, हवा के झोंके से उसकी आंखें झिप गई। उसे जितने काम याद आते हैं उतना ही आलस घना होता जाता है। बस की सीटें रिजर्व करवाने के लिए चपरासी को रुपए देने हैं, जो सामान हॉस्टल की लड़कियां पीछे छोड़े जा रही हैं उन्हें गोदाम में रखवाना होगा। कभी कभी तो छोटी क्लास की लड़कियों के साथ पैकिंग करवाने के काम में भी उसे हाथ बटाना पड़ता था। वह इन कामों से उबती नहीं, धीरे धीरे सब निपटते जाते हैं, कोई गलती इधर उधर रह जाती है सो बाद में सुधर जाती है। हर काम में किचकिच रहती है, परेशानी और दिक्कत होती है, किंतु देर सवेर इससे छुटकारा मिल ही जाता है। किंतु जब लड़कियों की आखिरी बस चली जाती है तब मन उचाट सा हो जाता है। खाली कॉरिडोर में घूमती हुई
वे कभी इस कमरे में जाती है और कभी उसमें। वह नहीं जान पाती कि अपने से क्या करें, दिल कहीं भी नहीं टिक पाता, हमेशा भटका भटका सा रहता है। इस सब के बावजूद जब कोई सहज भाव से पूछ बैठता है, मिस लतिका छुट्टियों में आप घर नहीं जा रही, तब वह क्या कहे? डिंग डोंग डिंग। स्पेशल सर्विस के लिए स्कूल चैपल के घंटे बजने लगे थे। लतिका ने अपना सिर खिड़की के भीतर कर लिया। उसने झटपट साड़ी उतारी और पेटीकोट में ही कंधे पर तौलिया डाले गुसलखाने में घुस गई। लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट कंटोनमेंट जाने वाली पक्की सड़क पर चार चार की पंक्ति में कुमाऊं रेजिमेंट के सिपाहियों की एक टुकड़ी मार्च कर रही थी। फौजी बूटों की भारी खुरदरी आवाजें स्कूल चैपल की दीवारों से टकरा कर भीतर प्रेयर हॉल में गूंज रही थी। ब्लेस्ड आर द मीक, फादर एलमंड, एक एक शब्द चबाते हुए खंखारते स्वर में सर्मन ऑफ द माउंट पढ़ रहे थे। ईसा मसीह की मूर्ति के नीचे कैंडल प्रियम के दोनों ओर मोमबत्तियां जल रही थी, जिनका प्रकाश आगे बेंचों पर बैठी हुई लड़कियों पर पड़ रहा था। पिछली लाइनों की बेंचें अंधेरे में डूबी हुई थी, जहां लड़कियां प्रार्थना की मुद्रा में बैठी हुई सिर झुकाए एक दूसरे से घुसर पुसर कर रही थी। मिस वुड स्कूल सीजन के सफलतापूर्वक समाप्त हो जाने पर विद्यार्थियों और स्टाफ सदस्यों को बधाई का भाषण दे चुकी थी और अब फादर के पीछे बैठी हुई अपने में ही कुछ बुड़बुड़ा रही थी, मानो धीरे धीरे फादर को प्रॉम्प्ट कर रही हो। आमीन। फादर एलमंड ने बाइबल मेज पर रख दी और प्रेयर बुक उठा ली। हॉल की खामोशी क्षण भर के लिए टूट गई। लड़कियों ने खड़े होते हुए जानबूझकर बेंचों को पीछे धकेला। बेंचें फर्श पर रगड़ खाकर सीटी बजाती हुई पीछे खिसक गई। हॉल के कोने से हंसी फूट पड़ी। मिस वुड का चेहरा तन गया, माथे पर भ्रुकुटियां चढ़ गई, फिर अचानक निस्तब्धता छा गई। हॉल के उस फूटे हुए धुंधलके में फादर का तीखा फटा हुआ स्वर सुनाई देने लगा। जीसस सेड, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ही दैट फॉलोएथ मी शैल नॉट वॉक इन डार्कनेस बट शैल हैव द लाइट ऑफ लाइफ। डॉक्टर मुखर्जी ने ऊब और उकताहट से भरी जमुहाई ली। कब यह किस्सा खत्म होगा? उसने इतने ऊंचे स्वर में लतिका से पूछा कि वह सकुचा कर दूसरी ओर देखने लगी। स्पेशल सर्विस के समय डॉक्टर मुखर्जी के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान खेलती रही और वह धीरे धीरे अपनी मूंछों को खींचता रहा। फादर एलमंड की वेशभूषा देखकर लतिका के दिल में गुदगुदी सी दौड़ गई। जब वह छोटी थी तो अक्सर यह बात सोचकर विस्मित हुआ करती थी कि क्या पादरी लोग सफेद चोगे के नीचे कुछ नहीं पहनते? अगर धोखे से वह ऊपर उठ जाए तो लेफ्ट 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 मार्च करते हुए फौजी बूट चैपल से दूर होते जा रहे थे। केवल उनकी गूंज हवा में शेष रह गई थी। हिम नंबर 117 है। फादर ने प्रार्थना पुस्तक खोलते हुए कहा। हाल में प्रत्येक लड़की ने डेस्क पर रखी हुई हिम बुक खोल ली। पन्नों के उलटने की खड़खड़ाहट चलती हुई एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैल गई। आगे की बेंच से उठकर क्यूबर्ट पियानो के सामने स्टूल पर बैठ गया। संगीत शिक्षक होने के कारण हर साल स्पेशल सर्विस के अवसर पर उसे कायर के संग पियानो बजाना पड़ता था। क्यूबर्ट ने अपने रुमाल से नाक साफ की। अपनी घबराहट छिपाने के लिए क्यूबर्ट हमेशा ऐसा ही किया करता था। कनखियों से हॉल की ओर देखते हुए अपने कांपते हाथों से हिम बुक खोली। लीड काइंडली लाइट, पियानो के सुर दबे, झिझकते से मिलने लगे। घने बालों से ढकी क्यूबर्ट की लंबी पीली अंगुलियां खुलने से मटने लगी। कॉयर में गाने वाली लड़कियों के स्वर एक दूसरे से गुंथकर कोमल स्निग्ध लहरों में बिंध गए। लतिका को लगा उसका जूड़ा ढीला पड़ गया है, मानो गर्दन के नीचे झूल रहा है। मिस वुड की आंख बचा लतिका ने चुपचाप बालों में लगे क्लिपों को कसकर खींच दिया। बड़ा झक्की आदमी है। सुबह मैंने ह्यूबर्ट को यहाँ आने से मना किया था, फिर भी चला आया, डॉक्टर ने कहा। लतिका को करीमुद्दीन की बात याद हो गई। रात भर ह्यूबर्ट को खांसी का दौरा पड़ा था, कल जाने के लिए कह रहे थे। लतिका ने सिर टेढ़ा करके ह्यूबर्ट के चेहरे की
एक झलक पाने की विफल चेष्टा की। इतने पीछे से कुछ भी देख पाना असंभव था। पियानो पर झुका हुआ केवल ह्यूबर्ट का सिर दिखाई देता था। लीड काइंडली लाइट, संगीत के सुर मानो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर हांफती हुई सांसों को आकाश की आबाद शून्यता में बिखेरते हुए नीचे उतर रहे हैं। बारिश की मुलायम धूप चैपल के लंबे चैकोर शीशों पर झिलमिला रही है, जिसकी एक महीन चमकीली रेखा ईसा मसीह की प्रतिमा पर तिरछी होकर गिर रही है। मोमबत्तियों का धुआं धूप में नीली सी लकीर खींचता हुआ हवा में तिरने लगा है। पियानो के क्षणिक पोज में लतिका को पत्तों का परिचित मरमर कहीं दूर अनजानी दिशा से आता हुआ सुनाई दे जाता है। एक क्षण के लिए भ्रम हुआ कि चैपल का फीका सा अंधेरा उस छोटे से प्रेयर हॉल के चारों कोनों से सिमटता हुआ उसके आसपास घिर आया है, मानो कोई उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे यहां तक ले आया हो और अचानक उसकी आंखें खोल दी हो। उसे लगा कि जैसे मोमबत्तियों के धूमिल आलोक में कुछ भी ठोस वास्तविक न रहा हो। चैपल की छत, दीवारें, डेस्क पर रखा हुआ डॉक्टर का सुघड़ सुडौल हाथ और पियानो के सुर अतीत की धुंध को भेदते हुए स्वयं उस धुंध का भाग बनते जा रहे हो। एक पगली सी स्मृति, एक उद्भ्रांत भावना, चैपल के शीशों के परे पहाड़ी सूखी हवा, हवा में झुकी हुई वीपिंग बिलोज की कांपती टहनियां, पैरों तले चीड़ के पत्तों की धीमी सी चिर परिचित खड़खड़। वहीं पर गिरीश एक हाथ में मिलिट्री का खाकी हैट लिए खड़ा है। चौड़े उठे हुए सबल कंधे, अपना सिर वहां टिका दो तो जैसे सिमट कर खो जाएगा। चार्ल्स बोयर क्या नाम उसने रखा था। वह झेंप कर हंसने लगा। तुम्हें आर्मी में किसने चुन लिया? मेजर बन गए हो लेकिन लड़कियों से भी गए बीते हो। जरा जरा सी बात पर चेहरा लाल हो जाता है। यह सब वह कहती नहीं, सिर्फ सोचती भर थी। सोचा था कभी कहूंगी, पर कभी कभी नहीं आया। ब्रूस का लाल फूल लाए हो न झूठे। खाकी कमीज के जिस जेब पर बैज चिपके थे उसमें से मुसा हुआ ब्रूस का फूल निकल आया। छी, सारा मुरझा गया, अभी खिला कहां है। हाउ क्लंजी, उसके बालों में गिरीश का हाथ उलझ रहा है। फूल कहीं टिक नहीं पाता। फिर उसे क्लिप के नीचे फंसा कर उसने कहा, देखो। वह मुड़ी और इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, गिरीश ने अपना मिलिट्री का हेड धप से उसके सिर पर रख दिया। वह मंत्रमुग्ध सी वैसी ही खड़ी रही। उसके सिर पर गिरीश का हेड है, माथे पर छोटी सी बिंदी है, बिंदी पर उड़ते हुए बाल हैं। गिरीश ने उस बिंदी को अपने होठों से छुआ है। उसने उसके नंगे सिर को अपने दोनों हाथों में समेट लिया है। लतिका, गिरीश ने चिढ़ाते हुए कहा, मैनेटर ऑफ कुमाऊ, उसका यह नाम गिरीश ने उसे चिढ़ाने के लिए रखा था। वह हंसने लगी। लतिका सुनो, गिरीश का स्वर कैसा हो गया था। ना, मैं कुछ भी नहीं सुन रही। लतिका, मैं कुछ महीनों में वापस लौट आऊंगा। ना, मैं कुछ भी नहीं सुन रही। किंतु वह सुन रही है, वह नहीं जो गिरीश कह रहा है, किंतु वह जो नहीं कहा जा रहा है, जो उसके बाद कभी नहीं कहा गया। लीड काइंडली लाइट, लड़कियों का स्वर पियानो के सुरों में डूबा हुआ गिर रहा है और उठ रहा है। ह्यूबर्ट ने फिर मोड़कर लतिका को निमिष भर देखा, आंखें मूंदे ध्यान मग्ना प्रस्तर मूर्ति सी वह स्थिर निश्चल खड़ी थी। क्या यह भाव उसके लिए है? क्या लतिका ने ऐसे क्षणों में उसे अपना साथी बनाया है? ह्यूबर्ट ने एक गहरी सांस ली और उस सांस में ढेर सी थकान उमड़ आई। देखो, मिस वुड कुर्सी पर बैठे बैठे सो रही है। डॉक्टर होठों में ही फुसफुसाया। यह डॉक्टर का पुराना मजाक था कि मिस वुड प्रार्थना करने के बहाने आंखें मूंदे हुए नींद की झपकियां लेती हैं। फादर एलमंड ने कुर्सी पर फैले अपने गाउन को समेट लिया और प्रेयर बुक बंद करके मिस वुड के कानों में कुछ कहा। पियानो का स्वर क्रम से मंद पड़ने लगा। ह्यूबर्ट की अंगुलियां ढीली पड़ने लगी। सर्विस के समाप्त होने से पूर्व मिस वुड ने ऑर्डर पढ़कर सुनाया। बारिश होने की आशंका से आज के कार्यक्रम में कुछ आवश्यक परिवर्तन करने पड़े थे। पिकनिक के लिए
झूला देवी के मंदिर जाना संभव नहीं हो सकेगा, इसलिए स्कूल से कुछ दूर मीडोज में ही सब लड़कियां नाश्ते के बाद जमा होंगी। सब लड़कियों को दोपहर का लंच हॉस्टल किचन से ही ले जाना होगा, केवल शाम की चाय मीडोज में बनेगी। पहाड़ों की बारिश का क्या भरोसा, कुछ देर पहले धुआंधार बादल गरज रहे थे, सारा शहर पानी में भीगा ठिठुर रहा था, अब धूप में नहाता नीला आकाश धुंध की ओर से बाहर निकलता हुआ फैल रहा था। लतिका ने चैपल से बाहर आते हुए देखा, बिलोज की भीगी शाखाओं से धूप में चमकती हुई बारिश की बूंदें टपक रही थी। लड़कियां चैपल से बाहर निकलकर छोटे छोटे गुच्छे बनाकर कॉरिडोर में जमा हो गई हैं। नाश्ते के लिए अभी पौन घंटा पड़ा था और उनमें से अभी कोई भी लड़की हॉस्टल जाने के लिए इच्छुक नहीं थी। छुट्टियां अभी शुरू नहीं हुई थी, किंतु शायद इसीलिए इन चंद बचे खुचे क्षणों में अनुशासन के भीतर भी मुक्त होने का भरपूर आनंद उठा लेना चाहती थी। मिस वुड को लड़कियों का यह गुल गपाड़ा अखरा, किंतु फादर एलमंड के सामने वह उन्हें डांट फटकार नहीं सकी। अपनी झुंझलाहट दबाकर वह मुस्कुराते हुए बोली, कल सब चली जाएंगी, सारा स्कूल वीरान हो जाएगा। फादर एलमंड का लंबा बोझपूर्ण चेहरा चैपल की घुटी हुई गरमाई से लाल हो उठा था। कॉरिडोर के जंगले पर अपनी छड़ी लटकाकर वह बोले, छुट्टियों में पीछे हॉस्टल में कौन रहेगा? पिछले 2-3 सालों से मिस लतिका ही रह रही हैं और डॉक्टर मुखर्जी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते, डॉक्टर तो सर्दी गर्मी यहीं रहते हैं। मिस वुड ने विस्मय से फादर की ओर देखा, वह समझ नहीं सकी कि फादर ने डॉक्टर का प्रसंग क्यों छेड़ दिया है। डॉक्टर मुखर्जी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते, 2 महीनों की छुट्टियों में बर्मा जाना काफी कठिन है फादर। मिस वुड हंसने लगी, मिस वुड पता नहीं आप क्या सोचती हैं, मुझे तो मिस लतिका का हॉस्टल में अकेले रहना कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन फादर, मिस वुड ने कहा, ये तो कॉन्वेंट स्कूल का नियम है कि कोई भी टीचर छुट्टियों में अपने खर्चे पर हॉस्टल में रह सकते हैं, मैं फिलहाल स्कूल के नियमों की बात नहीं कर रहा। मिस लतिका डॉक्टर के संग यहाँ अकेली ही रह जाएंगी, और सच पूछिए मिस वुड, डॉक्टर के बारे में मेरी राय कुछ बहुत अच्छी नहीं है। फादर, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मिस लतिका बच्चा थोड़ी ही है। मिस वुड को ऐसी आशा नहीं थी कि फादर एलमंड अपने दिल में ऐसी तकियानुसी भावना को स्थान देंगे। फादर एलमंड कुछ हतप्रभ से हो गए, बात पलटते हुए बोले, मिस वुड मेरा मतलब यह नहीं था, आप तो जानती हैं मिस लतिका और उस मिलिट्री अफसर को लेकर एक अच्छा खासा स्कैंडल बन गया था, स्कूल की बदनामी होने में क्या देर लगती है, वह बेचारा तो अब नहीं रहा। मैं उसे जानती थी फादर, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। मिस वुड ने धीरे से अपनी दोनों बाहों से क्रॉस किया। फादर एलमंड को मिस वुड की मूर्खता पर इतना अधिक क्षोभ हुआ कि उनसे आगे और कुछ नहीं बोला गया। डॉक्टर मुखर्जी से उनकी कभी नहीं पड़ती थी, इसलिए मिस वुड की आंखों में वह डॉक्टर को नीचा दिखाना चाहते थे, किंतु मिस वुड लतिका का रोना ले बैठी। आगे बात बढ़ाना व्यर्थ था, उन्होंने छड़ी को जंगले से उठाया और ऊपर साफ खुले आकाश को देखते हुए बोले, प्रोग्राम आपने यूं ही बदला मिस वुड, अब क्या बारिश होगी। ह्यूबर्ट जब चैपल से बाहर निकला तो उसकी आंखें चकाचौंध सी हो गई, उसे लगा जैसे किसी ने अचानक ढेर सी चमकीली उबलती हुई रोशनी मुट्ठी में भरकर उसकी आंखों में झोंक दी हो। पियानो के संगीत के सुर रुई के छुई हुई रेशों की भांति अब तक उसके मस्तिष्क की थकी मांदी नसों पर फड़फड़ा रहे थे, वह काफी थक गया था। पियानो बजाने से उसके फेफड़ों पर हमेशा भारी दबाव पड़ता, दिल की धड़कन तेज हो जाती थी, उसे लगता था कि संगीत के एक नोट को दूसरे नोट में उतारने के प्रयत्न में वह एक अंधेरी खाई पार कर रहा है। आज चैपल में मैंने जो महसूस किया वह कितना रहस्यमय कितना विचित्र था, ह्यूबर्ट ने सोचा। मुझे लगा पियानो का हर नोट चिरंतन खामोशी की अंधेरी खोह से निकलकर बाहर फैली नीली धुंध को काटता तराशता हुआ एक भूला सा अर्थ खींच लाता है। गिरता हुआ हर कोज एक छोटी सी मौत है, मानो घने छायादार वृक्ष की कांपती छायाओं में कोई पगडंडी गुम हो गई हो, एक छोटी सी मौत जो आने वाले सुरों को अपनी बची खुची गुंजों की सांसें समर्पित कर जाती है, जो मर जाती है किंतु मिट नहीं पाती, मिटती नहीं
इसलिए मरकर भी जीवित है दूसरे सुरों में लय हो जाती है। डॉक्टर, क्या मृत्यु ऐसे ही आती है? अगर मैं डॉक्टर से पूछूं तो वह हंसकर टाल देगा। मुझे लगता है वह पिछले कुछ दिनों से कोई बात छिपा रहा है। उसकी हंसी में जो सहानुभूति का भाव होता है वह मुझे अच्छा नहीं लगता। आज उसने मुझे स्पेशल सर्विस में आने से रोका था। कारण पूछने पर वह चुप रहा था। कौन सी ऐसी बात है जिसे मुझे कहने में डॉक्टर कतराता है? शायद मैं शक्की मिजाज होता जा रहा हूं और बात कुछ भी नहीं है। ह्यूबर्ट ने देखा, लड़कियों की कतार स्कूल से हॉस्टल जाने वाली सड़क पर नीचे उतरती जा रही है। उजली धूप में उनके रंग बिरंगे रिबन, हल्की आसमानी रंग की फ्रॉकें और सफेद पेटियां चमक रही हैं। सीनियर कैम्ब्रिज की कुछ लड़कियों ने चैपल की वाटिका के गुलाब के फूलों को तोड़कर अपने बालों में लगा लिया है। कंटोनमेंट के 3-4 सिपाही लड़कियों को देखते हुए अश्लील मजाक करते हुए हंस रहे हैं और कभी कभी किसी लड़की की ओर जरा झुककर सीटी बजाने लगते हैं। तो मित्रों, यह था निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे का पहला भाग। शेष कथा की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।